हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 10 जनवरी। आज का जो दैनिक जागरण का एनालिसिस वो अच्छे से करेंगे। और ये फ्रेंड्स राष्ट्रीय संस्करण है, मैं आपको बता देता हूँ, जो दिल्ली से पब्लिश होता है। और जो लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं कि सर हमें न्यूज़पेपर का पीडीएफ भी दे दिए कीजिए, तो फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर लिखा गया है ज्वाइन टेलीग्राम फॉर पीडीएफ्स। वहां पर आपको सुबह 8 बजे न्यूज़पेपर की जो इसकी आपको पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाती है और इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, ऐतिहासिक दिन कल का माना गया है। आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण पर संसद ने लगाई मोहर। अनारक्षित हर जाति और धर्म के जरूरतमंद को मिलेगा लाभ। तो फ्रेंड्स अब मोदी मैजिक है। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि जो 10% आरक्षण दिया गया था इकोनॉमी बेस पर, कि जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो आर्थिक सहायता जिनको प्रोवाइड की गई है, कि ठीक है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, आर्थिक वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको 10% जनरल कैटेगरी में जितने भी लोग हैं उनको 10% आरक्षण देने की बात की गई है। तो फ्रेंड्स इसमें से प्री का क्वेश्चन कौन सा बनता है? तो अभी ये लोकसभा में परसों पास हुआ था। लोकसभा में इनको जो है सिर्फ 3 ही इसके मतलब कि जो खिलाफ वोट पड़े थे वो 3 ही वोट पड़े थे, और 223 इसके पक्ष में वोट दिए गए थे। अभी फ्रेंड्स राज्यसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में 165 वोट तो इसके पक्ष में दिए गए हैं और 7 वोट इसके विपक्ष में डले हैं। तो फ्रेंड्स इस ये कितने नंबर का जो संविधान संशोधन है, 124 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है। तो याद रखिए 124वें नंबर का। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जीएसटी कौन से नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है? 101 नंबर का, 100 नंबर का, 102 नंबर का, या इनमें से कोई नहीं? तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर कीजिए। और जो बच्चे कमेंट करते हैं उनकी बहुत अच्छी, उनका बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि फ्रेंड्स थैंक यू मैं बोल रहा हूँ, बट फायदा उनका भी हो रहा है जिन्होंने यूएनडीपी के बारे में पढ़कर लिखा। अगर किसी और ने उसको पढ़ा हो तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिए कि हाँ मैंने इसके कमेंट से कुछ सीखा है। एक और यूट्यूब पर फ्रेंड है हमारा जो अभी इस पे इसके बारे में जो डेली कमेंट करता है, वो इस यूट्यूब पे कमेंट करता है, जो वीडियो के नीचे कमेंट करता है, हौसलों की उड़ान, उसका नाम नहीं पता। अपना नाम भी भाई आज कमेंट कर दीजिए, फिर आपका असली नाम लेकर बता दूंगा। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं लेकिन उनका रियल नेम नहीं पता, Study24 उनका असली नाम नहीं पता मेरे को। तो फ्रेंड्स ये लोग अच्छे से अब जो जो कमेंट्स करते हैं वीडियोस के नीचे, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ पता है, और नहीं पता तो ये कुछ ना कुछ सीखते हैं, हाँ, और सीख कर फिर कमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसा किया कीजिए, अगर आपको नहीं पता तो सीख कर कमेंट कर दीजिए, और अगर आपने किसी के कमेंट से कुछ सीखा तो उसको प्लीज लाइक कर दिया कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, और अपना अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिए, और कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरूर बता दीजिए। और फ्रेंड्स एक और इसमें बड़ी न्यूज़ यही है, बड़ी बात ये कही जा रही है कि मोदी जी ने 5 साल निकल गए लेकिन 4 सालों में कुछ भी नहीं किया। अभी लास्ट ईयर में जाके ऐसा क्यों किया? क्या ये वोट बैंक को इकट्ठा कर रहे हैं या फिर वोट्स को टारगेट किया जा रहा है? तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा जो हमारे एग्जाम में क्या आएगा और हम प्री और मेन्स किस तरह से क्वालिफाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट दिल्ली की न्यूज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगा यातायात व्यवस्था। तो दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में यातायात व्यवस्था आपको पता है कि बहुत ज्यादा जब जाम लग जाता है तो 2-2 घंटे जाम में लोग फंसे रह जाते हैं, वहां पर एक्स्ट्रा फ्यूल की वेस्टेज होती है, लोगों के टाइम वेस्टेज होती है, लोगों की फ्लाइट मिस हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन जब से मेट्रो आई है तब से ये जो 2 घंटे का सफर है ये 1 घंटे में हो गया है, कि अभी जाम बहुत कम लगने शुरू हो गए हैं। इससे और क्या बूस्ट मिला है कि पहले जो एक आदमी एक गाड़ी लेकर जाता था, अब वो मेट्रो में सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब गाड़ी में जाते हैं तो आपको पता है कि टाइम की वेस्टेज होती है, फ्यूल की वेस्टेज होती है। अब एक बंदा मान लीजिए 10 किलोमीटर गाड़ी पे गया तो उसका कम से कम 50-60 रुपए का पेट्रोल फ्यूल लग जाएगा या डीजल लग जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई बंदा सेम बंदा मेट्रो से चला जाएगा, उसको 10 या 20 रुपए ही की ही टिकट लेनी पड़ेगी। तो इस तरह एफिशिएंसी भी होती है, पैसे की बचत होती है, और टाइम की बहुत ज्यादा सेविंग होती है। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है फ्रेंड्स, कि ह्यूमन का यूज नहीं करके, कंप्यूटर्स का, रोबोट्स का यूज करके, जो उसके अलावा क्या है, जो उसके साथ उसकी हेल्प से जो दिल्ली का यातायात व्यवस्था है उसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। कि वहां पर दिल्ली की सड़कों पर पुलिस वाले नहीं खड़े होंगे, पुलिस वाले चालान नहीं काटेंगे, ओवर स्पीडिंग के लिए सेंसर लगे हुए हैं वो चालान काटेंगे, ऑटोमेटिक चालान कटकर आपके जो नंबर पे आपका जो जो आपका बाइक का या गाड़ी का नंबर नोट कर लिया जाएगा, उस पर चालान कट के आपके एड्रेस पर घर पे आ जाया करेगा। मतलब सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और पूरे दिल्ली का नेटवर्क जो है वो चेक किया जाएगा ऊपर से भी, किस रोड पर ज्यादा जाम लगा हुआ, जिस रोड पर ज्यादा जाम लगा उसको खोलने की पहले कोशिश की जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि एक साइड की जितनी भी मतलब यातायात होता है वो दूसरी साइड पे डाइवर्ट कर देते हैं, ताकि इससे कहीं पर जाम की सुविधा मतलब जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो चलिए ये अच्छी पहल है अभी, लेकिन जब होगा तब देख लेंगे। अभी इसके लिए 3500 करोड़ 3500 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। देखते हैं आने वाले टाइम में ये क्या क्या कुछ इसके अंदर और चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट, तेज हवा से ठिठुरी दिल्ली पर, टूटा प्रदूषण का गरूर। तो भी क्या है, पोल्यूशन तो कम होते जा रहा, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है वहां पर, ठंडी हवा चलती है फ्रेंड्स, जब आपको पता है कि पोल्यूटेंट्स हवा में होते हैं, जब हवा ब्लो करने लग जाती है, हवा बहने लग जाती है, तो वो पोल्यूटेंट्स वहां से उड़ जाते हैं और इधर उधर हवा में खत्म हो जाते हैं। वो आपको पता है अगर 100
क्विंटल पानी हो फ्रेंड्स, इतना पानी हो या फिर इतनी हवा हो और वो ब्लो करने लग जाए तो उसका जितना भी पोल्यूशन है वो खत्म है। इसलिए तो कहते हैं कि नदियां हैं उनकी सेल्फ क्लीनिंग होती है नदियां, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा पानी होता है, वो खुद को साफ कर सकती है। लेकिन कब? जब वो पानी बहता रहे। उसी तरह से जब हवा बहती रहे तो वो खुद को साफ कर सकती है, वो हवा खुद ब खुद साफ हो जाती है। और फ्रेंड्स किसी को कोई डाउट हो कि सर वो जो पोल्यूशन वो कहाँ चला जाता है, तो प्लीज नीचे पूछ लीजिए, फिर इस पर आपको लिए रिसर्च करके एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। डोंट वरी, मैं आपकी पूरी पूरी सहायता करूंगा। जिसका कोई भी क्वेश्चन हो, बुरे से बुरा क्वेश्चन, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई जरूर करूंगा। और जो बच्चे कमेंट करते हैं उनको पता है कि सर रिप्लाई भी कर देते हैं, चाहे देर करें दुरुस्त करें, लेकिन रिप्लाई जरूर करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वैड के बारे में जाकर थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। पहली बार वैश्विक मंच पर जुटे फ्रांस समेत 5 देशों के नौसेना प्रमुख। तो अभी अभी 5 देश हैं, लेकिन क्वैड के अंदर 4 ही कंट्रीज हैं। 4 कंट्रीज कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये क्यों बना क्वैड ये भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 देश हैं, ये मिलकर इन्होंने क्वैड बनाया है। क्वैड अब किस लिए फ्रेंड्स? क्वैड ये है कि जो चाइना है, हिंद महासागर के अंदर चाइना है, चाइना कह रहा है कि ये हमारा हिस्सा, हिंद महासागर पर हमारी जो वाहवाही होनी चाहिए, इस पे जो टैक्स आएगा वो हम लेंगे, इसकी जो सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, तो हिंद महासागर को घेरने की तैयारी में चाइना। लेकिन इससे क्या है, अगर चाइना घेर देगा तो यूएसए से चाइना पैसे लेगा, दूसरी तरफ जापान से और ऑस्ट्रेलिया से भी पैसे लेगा, और हिंद महासागर तो यार भारत के साथ बिल्कुल टच करता है, तो भारत को भी परेशान करेगा, उसके अंदर जितना भी ट्रेड होगा तो वो उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो इन 4 कंट्रीज ने मिलकर चाइना के खिलाफ कि हाँ अगर चाइना ऐसी कोई भी हरकत करता है तो उस पर दबाव बनाया जाएगा। दबाव बनाने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम इन्होंने क्वैड रखा है। क्वैड के अंदर 4 कंट्रीज हैं। चलिए नीचे कमेंट कीजिए क्वैड कब बना। फ्रेंड्स आपको जानकर हैरानी होगी, क्वैड अभी ही जनरेट हुआ है, 1 या 2 साल पीछे जाकर आपको पढ़ेंगे, थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी 5वां कंट्री भी हमारी मीटिंग में शामिल हुआ, वो कौन सा है? फ्रांस। तो इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है प्री का वो सुन लीजिए कि क्वैड की स्थापना कब की गई, स्थापित कब हुआ क्वैड, क्वैड के अंदर कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं, और अभी हाल ही में 2019 के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें फ्रांस भी शामिल था। ये 3 पॉइंट दिए होंगे, नीचे आपको दिया होगा ए, फर्स्ट ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, बी ऑप्शन मतलब 2 तीनों सही हैं, तीसरा कोई भी सही नहीं है, चौथा ओनली 1 सही है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, तो प्लीज इसके बारे में सारी चीजें पढ़िए, और जो आप पढ़ेंगे वो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि आपको कमेंट पढ़कर किसी दूसरे का फायदा हो सके। चलिए नेक्स्ट, अभी फेसबुक पर आपको पता है कि जो फर्जी चीजें हैं, नकली चीजें बहुत ज्यादा शेयर कर दी जाती हैं, जो अफवाहें वो बहुत ज्यादा फैलाई जाती हैं। अब व्हाट्सएप पर भी आपको पता है कि चल रहा है कि वो अफवाहें नहीं फैलानी है, तो जो अगर किसी के नंबर को हम मतलब कि बंद भी हो सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ अफवाहें मत फैलाइए। तो भी फेसबुक भी यही कर रहा है कि जो फर्जी खबरें उनको रोकने के लिए इन्होंने अलग से एक टीम तैयार की है, वो टीम इसको भी बिल्कुल ध्यान रखेगी कि कोई गलत खबर ना फैलाई जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बात करेंगे। और अभी इसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में ऐसी कोई चीज़ मैं आपकी मिस नहीं होने दूंगा फ्रेंड्स जो आपको एग्जाम में आएगी। ये ट्रेन 18 हमारी स्व निर्मित है, स्वदेश निर्मित है, मतलब हमारे देश में बिल्ट है, इंडिजीनियस बिल्ट है ट्रेन 18, जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, नागरिक बिल का पूर्वोत्तर में विरोध। तो फ्रेंड्स नागरिक बिल है वो जो पास नहीं हुआ। अब नागरिक बिल पास क्यों नहीं हुआ, इसके क्या क्या, अगर पास हो जाता तो हमें क्या क्या नुकसान थे। अब नागरिकता बिल फ्रेंड्स इसमें क्या अमेंडमेंट करने की बात की गई थी, जो बांग्लादेश के लोग हैं, जो पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हैं, या फिर जो म्यांमार से आ रहे हैं, तो इन लोगों को हम अपने देश में रख सकते हैं, कि इसको म्यांमार से जो हमारे कंट्री में जो शरण लेना चाहते हैं उसको हम रखेंगे। तो फ्रेंड्स इसका नुकसान क्या है, अब मान लीजिए 100 बंदे एक दिन में आ रहे हैं और 10 दिन लगातार ऐसे बंदे आ रहे हैं, तो 1000 लोग हो गए। अब 1000 लोगों को हम अमेंडमेंट करके यहाँ पर रख लें, अगले साल 1000 और आ जाएंगे, फिर इन 1000 की शादी हो जाएगी, फिर इनके बच्चे हो जाएंगे, मतलब इनका परिवार इनको यहीं पर रहना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर रहेंगे तो जो भारत के रिसोर्सेज हैं वो भारत के लोगों के हैं, वो हमारे रिसोर्सेज हैं, भारत में जितनी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं वो हमारी चीज़ें, उन पर हमारा हक है। अब इन 1000 लोगों में से मान लीजिए किसी 20 बंदों को भी गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो ये जो 20 भारतीय हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब तो ये ले गए ना, उनकी जॉब तो एक खा गए, तो ये हमारे संसाधनों का प्रयोग क्यों करें। आपको पता है हमारे भारत की आबादी 130 करोड़ के आसपास हो चुकी है, तो इनका पेट पालना है, इनको भी पालन पोषण चाहिए, तो इसलिए ये जो पास नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में जैसे इसके बारे में कुछ और आएगा तो हम जरूर अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जाकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में कि ये कौन सी जगह पर है, अभी आपको बताने को मैं बता दूं लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, अगर आप जाकर थोड़ा सा गूगल पे पढ़ेंगे तो आपको 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और वो एक्स्ट्रा पॉइंट आप क्या किया कीजिए नीचे कमेंट में लिख दीजिए ताकि किसी दूसरे का फायदा हो जाए। अगर आज मान लो फ्रेंड्स आज 10 जनवरी है, आप किसी एक चीज का पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, कोई बच्चा आपके पॉइंट पढ़ लेगा, कल को वो भी गूगल से पढ़कर लिखेगा तो आप भी पढ़ सकते हैं, आपको भी बेनिफिट जरूर मिलेगा इस चीज का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2010 के IAS टॉपर शाह का इस्तीफा अब करेंगे सियासत, तो ये भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए जा रहे हैं।
आने वाले टाइम इनके बारे में जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको बता दूंगा। ये हाईएस्ट टॉपर थे 2010 के, और ये रीजनल न्यूज़ है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये आयुष्मान भारत, अभी आपको पता है कि सबसे बड़ी जो हमारी हेल्थ स्कीम है 2018 के अंदर, ये बताई गई थी कि 2018 के अंदर इसको जो बजट में बताया गया था, और 2018 में अभी लास्ट में ही ये बनाई गई आयुष्मान भारत है, इसको लॉन्च किया गया। तो इसके अंदर जो फॉर्म किस तरह से, जो फीडबैक फॉर्म है वो किस तरह से भरे जाते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। फॉर्म के अंदर लिखा गया कि मरीज का नाम रिक्त स्थान डाला गया, मरीज का कोई नाम ही नहीं लिखा गया। दूसरी तरफ कौन से हॉस्पिटल ने रेफर किया, निजी अस्पताल, मतलब उस अस्पताल का नाम नहीं लिखा गया। मरीज किस हॉस्पिटल में एडमिट है उसका नाम लिखा गया है। डॉक्टर की जो मतलब परामर्श कैसा था, अच्छा। डॉक्टर का बिहेवियर कैसा था, अच्छा। दवाइयां मिल गई, सभी दवाइयां मिल गई, मतलब ये 5 कॉलम। और भरा किसने ये फॉर्म, जो हॉस्पिटल के जो मेंबर्स हैं, जो वहां पर स्टाफ है, रिक्रूटेड स्टाफ है, उन्होंने ये फिल किया, ना कि जिन लोगों के इलाज हुआ उनके द्वारा नहीं भरा गया। मतलब खुद की बढ़ाई इसमें खुद ही कर ली, उसमें सिर्फ 4-5 चीजें दे रखी हैं। तो ये कैसा है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि एनुअल टाइम में इसको शुद्ध किया जाएगा, सही किया जाएगा, इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा जिस हॉस्पिटल ने ऐसा किया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक और, दो उम्रदराज शेरनियों की एक ही दिन मौत हो गई है। तो इन शेरनियों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया और इसको लॉन्च करने के पीछे क्या मकसद था। तो नीचे कमेंट कीजिए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करवा भी देता हूं और बता भी देता हूं, तो अब आपकी जिम्मेवारी कि आप इसका कमेंट कीजिए, दूसरों को भी थोड़ा पढ़ाइए। और फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन का कमेंट आप करेंगे, दूसरे का कोई और कमेंट करेगा, तीसरे का कोई और करेगा, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे तो आपके पास एक पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जल्दी ही मैं मेन्स के लिए आंसर राइटिंग भी शुरू करवा दूंगा, कि मेन्स का एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा दिया करूँ, उसका फिर आप लोग आंसर किस तरह से, या तो मेरा फेसबुक पेज है उसको लाइक कर लीजिए, वहां पर अपलोड कर दिया कीजिए कि आप एक शीट पर आंसर लिखिए, उसको अपलोड कर दीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। या फिर अगर आप, कोई बच्चा लिख सकता है कि जिस पर कंप्यूटर है या फोन में टाइप कर सकता है, तो वो टाइप करके यहीं पर आंसर दे दिया कीजिए। तो जैसे आपको सही लगे आप मुझे बता दीजिए कि हाँ सर, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी शुरू करवा दो, तो वो भी जल्दी शुरू करवा दी जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए, मोदी जी का राजनीतिक रामबाण, तो आपको पता लग गया कि जो आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जा रही है जनरल वालों को 10% कि हाँ रिजर्वेशन दी जा रही, तो अभी लास्ट ईयर में क्यों किया गया, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। और रोजगार उत्पन्न करने का सवाल अभी, तो अगर आप लोग भरमार जॉब्स उत्पन्न करेंगे, अब मान लीजिए कि 2 करोड़ जॉब्स एक साथ इन्होंने प्रोड्यूस कर दी कि हाँ 2 करोड़ जॉब्स हैं, अब 2 करोड़ में से मान लीजिए 1.5 करोड़ युवाओं को नौकरी, 1.5 करोड़ युवा जो नौकरी के लिए, 3 करोड़ युवा जो नौकरी के लिए अभी इधर उधर फिर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, 3 करोड़ में से 2 करोड़ को तो सीधे जाते ही जॉब मिल जाएगी, तो इसमें रिजर्वेशन की जरूरत क्या है। चलिए ठीक है, रिजर्वेशन भी दे दी, लेकिन आप जॉब्स भी तो प्रोड्यूस कीजिए, जॉब्स तो आप निकालने, रिजर्वेशन देकर आप वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसी बारे में सारी चीज लिखी हुई है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, कर्ज माफी के सामाजिक और आर्थिक पहलू। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसानों का कर्ज माफ कर देते हैं, ठीक है, किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए, जिसके पास यार 5 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 10 एकड़ जमीन है, ठीक है, छोटे किसान है, इनको यार पैसे चाहिए होते हैं कि ठीक है, जब इन फसल बोनी होती है इन्होंने, तो इनको कर्ज की जरूरत पड़ती है, या फिर इनके और बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, फर्टिलाइजर्स, बहुत सारी, जब आप किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो आपको एन नंबर ऑफ थिंग्स की जरूरत पड़ती है, आपको ट्रैक्टर लेना पड़ता है और भी चीजें, तो इनके लिए कर्ज मुहैया करवाएं, कोई बात नहीं, चलो मान लो ये कर्ज नहीं दे पाए, इनका कर्ज माफ कर देना चाहिए। अब कोई यार 100 एकड़ का मालिक है, मैंने एक पहले भी बताया था कि उसने कर्ज लेकर फॉर्चूनर खरीद लिया, उसने अपनी इंडस्ट्री लगा ली, इंडस्ट्री से आउटपुट नहीं आई है, और इस बंदे ने 100 करोड़, जिसकी 100 एकड़ जमीन है, तो ये कर्ज भी कोई 1-2 करोड़ नहीं लेगा, इसने कर्ज भी लिया कितना, 20 करोड़ रुपए, तो इसका 20 करोड़ माफ क्यों किया जाए। हाँ, इस किसान का जिसने 10 लाख रुपए लिए इसका माफ कर दो यार, जिसने 20 लाख रुपए हैं इसका माफ कर दो, जिसने 50 लाख लिए उसका माफ करो, ठीक है, लेकिन जिसने 20 करोड़ रुपए लिए उसका कर्ज माफ करने की क्या जरूरत है। और ऐसी बातें बहुत गलत है। अब टैक्स पेयर को यार इससे प्रॉब्लम होती है, क्यों, टैक्स पेयर तो टैक्स पे कर रहा है, मान लीजिए किसी की 12 लाख रुपए इनकम, मान 1 लाख रुपए सैलरी है उसकी, 12 लाख रुपए इनकम होगी सालाना इनकम, उस पर उसको टैक्स भरना पड़ेगा, तो एक सैलरी उसकी 1 लाख रुपए किस में चली जाती है, टैक्स में चली जाती है। अब इसको 1 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ता है, हालांकि इसकी 1 लाख रुपए सालाना इनकम है, सॉरी 1 लाख रुपए इसकी मासिक इनकम है और 12 लाख रुपए सालाना इनकम है। और दूसरी तरफ किसान जिसकी इनकम 100 एकड़ जमीन है, तो उसको पता है आपको 100 एकड़ जमीन में से जब इसकी 1 साल 6 महीने की जो प्रोड्यूस निकलती है उसमें से उसको कितना बेनिफिट होता है, उसको 20 से 50 करोड़ रुपए उसको बन जाते, सॉरी उसको 2 से 3 करोड़ रुपए बन जाते हैं, 2 से 3 करोड़ रुपए इसके आ जाते हैं, लेकिन इसको किसानों को कोई टैक्स नहीं पे करना, तो फिर किसानों का कर्ज माफ क्यों किया जाना चाहिए। तो इसी बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आप लोग वोट बैंक के चक्कर में दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप जो अपनी इकोनॉमी है, देश की इकोनॉमी है, उसको बिल्कुल पीछे धकेल रहे हो, तो उसके सामाजिक तो ठीक है, आप वोट मिल रहा है आपको, सामाजिक आपको जो लोग साथ दे रहे हैं कि हाँ ये किसानों के बारे में सोचता है, लेकिन आर्थिक पहलू के बारे में सोचो। आपको पता है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी वहां पर जो अनाज पड़ा सड़ गया था गोदामों में, लेकिन उन्होंने फ्री में बांटने नहीं दिया, क्यों, क्योंकि अगर एक बार किसी को फ्री में अनाज मिल जाएगा तो वो कहेंगे कि ठीक है,
उस सरकार में जो पीएम ने मनमोहन सिंह की सरकार में फ्री में अनाज बांटा गया, तो अभी बांट दें, लोग काम नहीं करेंगे। लोगों का क्या, कई लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ उनको खाना पीना और सोने से मतलब है, उनको कुछ ना ही तो कोई नाम बनाना है लाइफ में, ना ही कुछ अचीवमेंट करनी है, ना ही कुछ देश के लिए करना है। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने मतलब कि अनाज को गोदामों में सड़ने दिया, लेकिन फ्री में लोगों को नहीं बांटा। तो फ्रेंड्स, अगर फ्री में बांटेंगे तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? अब मान लीजिए किसान है, कितनी मुश्किल से अनाज उगाते हैं, अगर फ्री में किसी को बांट दी जाए तो यार इनको तो तकलीफ होगी। इससे अच्छा इसमें सोल्यूशन दिया गया कि आप किसानों को टाइम पे फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवा दो, टाइम पे उनको बीज प्रोवाइड करा दो, उनकी पानी की समस्या है तो नहरों में पानी छोड़ दो, जो भी उनकी समस्या है उनको दूर करो, ना कि उनका कर्ज माफ करो। और जब उनकी फसल पककर तैयार हो जाती है तो उनकी फसल का जितना रेट है, जितना अपने एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फसल बोने से पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है, वो उसको उतना आपको एमएसपी प्रोवाइड करा दो। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग एमएसपी पे चाहते हैं कि सर एक पूरा लेक्चर तैयार कर दीजिए जिसपे प्री और मेंस के सारे पहलू टच हो जाएं, क्योंकि अगर एमएसपी आपको करवाने लग जाओ फ्रेंड्स, कौन किस किस फसलों पर एमएसपी है, कब शुरू किया गया, किसके द्वारा है, कौन से मंत्रालय के अंडर आता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्री और मेंस के। तो अगर एमएसपी के बारे में आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर कोई 10 कमेंट आए कि हाँ सर एमएसपी के बारे में बताइए, तो मैं एमएसपी के बारे में एक अलग से लेक्चर तैयार कर दूंगा, नहीं तो फिर आपको डेली थोड़ा थोड़ा तो मैं बताते रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नियमों की अनदेखी से बढ़ते हादसे। अभी आपको पता है मेघालय में 1 महीने से कोयले की खदान में 15 मजदूर अंदर ही दबे हुए हैं, तो अंदर फंस गए हैं कोयले की खदान में। क्या है था कि वहां पर जो गैर कानूनी तरीके से खनन किया जा रहा था, कोयला वहां से निकालकर बाहर भेजा जा रहा था, कोयला वहां से निकालकर यूज किया जा रहा था, तो 15 मजदूर 1 महीने से ज्यादा होगा वहां पर फंसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता है 1 महीना आप लोग बिना पानी के, बिना रोटी के कैसे रह सकता कोई, और अब कोयले की खदान में है तो पता नहीं वहां पर ऑक्सीजन है भी या नहीं है, तो पता नहीं वो जिंदा या मर गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आप उनको बाहर निकालो, लेकिन अब ये नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसके लिए अब जिम्मेवार कौन है? जो राज्य की सरकारें हैं वो क्या कर देते हैं, जो राज्य के मंत्री थे वो थोड़े से पैसे लेकर क्या है, ये गैर कानूनी कामों को लीगल बताकर कह देते कि ठीक है कर लो, यहाँ पर कौन सा किसको फर्क पड़ता है। लेकिन जो 15 मजदूर मरे हैं इसके अंदर, या 15 मजदूर जो दब गए इसके अंदर, उनके परिवारों का भरण पोषण पालन पोषण कौन करेगा? वो कुछ पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में लगा देते क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं है। लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि एक आने वाले टाइम में क्या होता है, काश क्या पता वो जिंदा निकल आए। अब वो तो भगवान पर डिपेंड करता है क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए अब जैसे ही कोई चीज आर्टिकल आएगा मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर लूंगा, और अभी इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो जरूर बताऊंगा। और विश्व बैंक ने 7.3% दर बताई है जो भारत की विकास दर है, जिसको विकास दर के बारे में जानना है वो इकोनॉमी का तीसरा लेक्चर जरूर देख लीजिए। इकोनॉमी का अब तक 6 लेक्चर हो चुके हैं और बाकी लेक्चर्स आपको डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे फ्रेंड्स, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देश के तेज विकास अनुमान से बाजार चौथे दिन भी उछला, तो अभी हमारी क्या है ग्रोथ बढ़ रही है फ्रेंड्स, तो ये अच्छी खुशखबरी है। चलिए, भारत जितने बड़े इलाके की निगरानी में सक्षम है चीन का रडार, तो आपको पता है कि चीन की जो सेना है भारत की सेना से, भारतीय सेना से 4 गुना ज्यादा बड़ी है, और उनका जो बजट है वो हमारी से जो हमारे बजट से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, कुछ ऐसे औजार हैं जो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि जानिए क्यों डरता है पाकिस्तान और चीन भारत से, वो मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से डिस्कस की है, उसके अंदर सारी चीजें बताई हुई हैं, 5-7 मिनट का वीडियो है, वो जरूर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, और मैंने कम्युनिटी टैब में भी शेयर कर दिया था, आप लोग देख सकते हैं, उसमें उसमें सारी यही चीजें बताई गई हैं, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। चलिए अब और कोई न्यूज देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, वो अच्छे से डिस्कस करूंगा। और फ्रेंड्स, एक बार जाकर आप थोड़ा सा खुद से भी पढ़ लिया कीजिए, न्यूज़पेपर आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। नेक्स्ट है नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में फ्रेंड्स वीक में एक या दो बार आ जाता है कि नारी सशक्तिकरण के बारे में, तो आप इनको थोड़ा सा पढ़ लिया कीजिए, इससे आपको क्या है कि आपके माइंड में कुछ चीजें रह जाएंगी जब आप आंसर लिखेंगे। मान लीजिए नारी सशक्तिकरण के बारे में मेंस के अंदर आंसर आ गया, तो आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपको, तो 20 नंबर में से फ्रेंड्स अगर आप लोग करंट अफेयर की भी चीजें लिख के आएंगे तो आपको 20 में से 10 नंबर तो करंट अफेयर ही दिलवा देगा, 5 नंबर कुछ स्टैटिक चीजें लिखनी पड़ेंगी, वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या स्टैटिक चीजें लिखनी है। मैं आपको जब मेंस की तैयारी करवाऊंगा फ्रेंड्स तो अच्छे से करवाऊंगा, मेंस की तैयारी मैं सोच रहा हूँ कि अभी 1 महीना आपको क्या है प्री के लिए अच्छे से तैयार करवा दिया जाए, और मार्च से आपको मेंस का एक क्वेश्चन, और अगर आप चाहते हैं कि सर पहले शुरू कर दीजिए पहले शुरू करवा दूंगा, एक या दो क्वेश्चन, एक मॉर्निंग में सुबह 9 बजे क्वेश्चन दे दूंगा टेलीग्राम लिंक में, वहां से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और उसके बाद आपकी 11 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके आंसर की, कि उसको कैसे कैसे आपने रिप्रेजेंट करना है, और मेंस का आंसर कैसे लिखे इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे आपको आंसर लिखना है। तो इसमें देख लीजिए, इस लड़की का एक ही हाथ काम करता है, ये देख लीजिए इसका एक हाथ ये काम नहीं करता, एक हाथ से ये ड्रिल मशीन चला रही है, वेल्डिंग कर रही है। इनके पिता का क्या होगा कि इनके पिता की अभी बीमारी है, इनको पिता को तो बीमारी से ग्रस्त है तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी 2 छोटी बहनें हैं तो उनको पढ़ाने के लिए वो खुद काम करती हैं, तो लड़कियां चाहे तो यार किसी भी हद तक अपने परिवार का भरण
पालन पोषण कर सकती है। इसलिए कहता हूँ कि वुमेन एजुकेशन को, जो गर्ल चाइल्ड है उसको सेव करो और उसकी एजुकेशन को बढ़ावा दो, ताकि एक लड़की दो परिवार को संभालती है, एक अपने पेरेंट्स को और एक जो इनलॉज को। तो अगर ये पढ़ी लिखी होगी तो अपने पेरेंट्स को भी पैसे देगी और इनलॉज को भी कमा कर देगी। तो फ्रेंड्स इनको पढ़ाओ, इनकी एजुकेशन पे पैसा लगाओ, ये उन सबका ध्यान रखेगी। लेकिन लोग पता नहीं क्यों लड़कियों को पेट में ही मार देते हैं। तो मुझे बहुत, यार क्या बताऊं उसमें, फिर बात करेंगे इस टॉपिक पे। नेक्स्ट देख लीजिए, कुंभ में मुहूर्त आप देखिए, हमारी तो हर हर गंगे है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता है अभी कुंभ का मेला लगने जा रहा है भारत में 15 जनवरी से। तो फ्रेंड्स इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर इंटरनेशनली क्यों शो किया जा रहा है, आपको मैं बता देता हूँ। इस पर हमने काफी पैसा खर्च किया। इतना पैसा क्यों खर्च किया हमने, जितना भी पैसा खर्च किया इस पर, उससे हम 3 या 5 गुना ज्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल बहुत दूर दूर से लोग आएंगे यहाँ पर कुंभ के लिए, यहाँ पर जो डुबकी लगाने के लिए गंगा में। तो उससे हम उनको, अगर वो वहां यहाँ पर 7 दिन भी रहे और यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, लोकल चीजें यहाँ पर जो बन रही हैं वो बिकेंगी, लोग यहाँ से लेकर जाएंगे, हमारी संस्कृति जो है वो बहुत ज्यादा मतलब की फलेगी फूलेगी और हमारे पास पैसा आएगा, काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा इससे, काफी लोगों की इनकम भी होगी। तो इसलिए हम इस पर इतना जोर दे रहे हैं। नेक्स्ट, पंजाब के 550 प्राइवेट कॉलेजों की नीलामी का नोटिस। कल मैंने बताया था कि 800 कॉलेज बंद होने की कगार पर हैं, 200 कॉलेज बंद हो चुके हैं इंजीनियरिंग के, तो उसमें पंजाब के भी कुछ कॉलेजेस है, देख लीजिए आप लोग। और समुद्र के पानी को बनाया पीने लायक, लेकिन इसमें लिखा नहीं हुआ मशीन कौन सी है, मशीन का नाम क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने, ये जालंधर के वैज्ञानिक है, तो उन्होंने इसको समुद्र के पानी को पीने लायक बना दिया। तो इसमें फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी खबर ये है कि जो हमारा पीने के लिए पानी बहुत कम था, जो हमारे रिसोर्सेज है ग्राउंड रिसोर्सेज, वो पानी कम हो रहा था, लेकिन अभी क्या, हम जो समुद्र का पानी, आपको पता है 97% धरती पर पानी ही पानी है, तो वो हम पीने लायक बना सकते हैं, वो पानी पीने लायक हो जाएगा, तो मतलब पानी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम में। चलिए और देख लेते हैं, ये सारी आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने सारी डिस्कस कर लिया। कोई डाउट रह गया, कोई क्वेरी, तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए। सभी लेक्चर्स देखा कीजिए फ्रेंड्स, मैं हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहता हूँ, मैं किसी न किसी लेक्चर में, जरूरी नहीं फ्रेंड्स कि एक लेक्चर में सारी चीजें बता दी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कोई चीज न्यूज आ जाती है उसके साथ में कुछ बताना पड़ जाता है, कि रिलेशन कहीं किसी का कुछ निकल जाता है। और जो फ्रेंड्स चाहते हैं कि हिस्ट्री पॉलिटी, तो फ्रेंड्स मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए हिस्ट्री पॉलिटी शुरू करने की। इकोनॉमी जियोग्राफी, इकोनॉमी शुरू हो चुकी है, जियोग्राफी का पहले लेक्चर अपलोड किया गया, वो आप जरूर देखिए, आपको पसंद आए तो प्लीज दूसरा लेक्चर आपके लिए बनाया जाएगा। और पॉलिटी के लेक्चर अभी जल्दी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, अभी बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बारे में सारी चीजें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कम से कम समय में आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। तो इसलिए टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही मतलब कुछ भी पढ़ाना होता तो मैं पढ़ा देता, जैसे आपको पता है कि यूट्यूब पर लोग क्या कर देते हैं, बुक उठाई बुक में से कुछ भी पढ़ा दिया, ऐसा नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल और ऐसा पढ़ाऊं कि आपको याद ही हो जाए, आपको भूले ना। तो मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूं, आप भी अपना 100% दिया कीजिए फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, और फ्रेंड्स अगर आप लोग 100 लोग देख रहे हैं तो कम से कम 100 लोग तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, 200 लोग देख रहे हैं तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।